उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र के सैद नगर में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने दो अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। वाकया बीती रात्रि का है। पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी रामपुर की ओर से एक प्लैटिना बाइक पर दो सवार व्यक्ति को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो पुलिस को अपनी तरफ आता देख कर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया, कभी एक व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और एक बदमाश कासिम के दाहिने पैर में गोली लगी और दूसरे बदमाश आसिफ को पुलिस ने भाग कर पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कासिम को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इन दोनों के कब्जे से पुलिस ने एक प्लैटिना बाइक बगैर नंबर प्लेट, दो अवैध तमंचा, 315 बोर्ड, 5 जिंदा कारतूस, 315 बोर्ड, 2 खोखा कारतूस नाल में फंसे बरामद किए। आईएमए के लिए जनपद रामपुर से संवाददाता कामरान आमिर की रिपोर्ट। सर, थाना टांडा पुलिस द्वारा मुठभेड़ में दो गिरफ्तार किए हैं, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 11/9/2022 को टांडा पुलिस द्वारा प्राणपुर पुल पर चेकिंग की जा रही थी, तभी रामपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो मुड़कर भागने लगे और पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस पर फायर करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद कर ली। बदमाशों के पास से दो तमंचे बरामद हुए हैं, 5 जिंदा कारतूस हैं और दोनों तमंचे 315 बोर के हैं। जो घायल बदमाश है उसका नाम कासिम है, जिसे उपचार के लिए सदर हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और दूसरे बदमाश को थाने पर भिजवा दिया गया है।